हमारी पब्लिक का क्या सेंटिमेंट रहा इसके बाद, अगर इंडियंस का और रशियंस ने कुछ उस पर आपने कुछ रिसर्च किया हो तो? देखिए, मैं उज़्बेकिस्तान तो गया था, इनको भी पता है। उज़्बेकिस्तान में आप उतरेंगे एयरपोर्ट पे तो जो एयरपोर्ट में पोर्टर्स होते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, बस चलाने वाले, शॉपकीपर्स, आप शास्त्री जी का नाम लीजिए बस, और वो लोग कहते हैं कि हाँ उनका तो जरूर कुछ गड़बड़ मर्डर किया गया था वहां पे, ये एक बात सत्य मानते हैं। और इंडिया में जो है, आप जैसे ही हमने कहा इस सब्जेक्ट पे फिल्म बना रहे हैं तो सबका एक ही रिएक्शन था, अरे मरना है क्या? इसका मतलब ये है कि कहीं हमारी साइकी में, हमारे माइंडसेट में ये बात बैठ गई है कि आप सच की आवाज जब उठाएंगे तो या तो आप रेल की पटरी के पास कटे हुए पाए जाएंगे या आप गायब हो जाएंगे। और इसीलिए आप देखिए, हमारे यहाँ लोग कुछ भी बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, जो मन में आता है बात करते हैं, निकल जाते हैं, नोबडी क्वेश्चंस। और आज अगर ये फिल्म, आपने कई जर्नलिस्ट लोगों को सुना होगा कहते हैं हाँ वी इट्स अवर राइट टू आस्क टफ क्वेश्चंस, लेकिन जब सामने लोग बैठे होते हैं कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। और आज जब हमारी फिल्म रिलीज हुई है तो कई सारे एमिनेंट जर्नलिस्ट लोग जो है उनने इस फिल्म को रिव्यू करने से बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि ये फिल्म सवाल उठाती है उन्हीं के ऊपर कि 53 साल से आप चुप क्यों बैठे थे, आपने ये सवाल क्यों नहीं उठाया। तो दिस इज द जनरल सेंटीमेंट आई हैव परसीव्ड। हेलो सर, कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड इट इज अ वंडरफुल मूवी फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मेरा जो पहला सवाल है, आपने इस मतलब मूवी के थ्रू बहुत बड़े बड़े लोगों पे सवाल उठाए, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज और बहुत बड़े बड़े लोगों जो नाम छुपा भी दिए गए हैं। तो मैं सीबीएफसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हूँ, मैंने छुपाए। अच्छा, तो आपको मेरे दो सवाल है। तो पहला सवाल, आपको कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे इस मूवी को रिलीज करते वक्त, और ये कुछ तो उनका कुछ आप बताएंगे। और दूसरा मेरा सवाल है, जो इसमें उठाया गया है कि एजुकेशन सिस्टम के थ्रू किस तरह सिस्टमेटिकली हर चीज को दबा दिया गया, भुला दिया गया। कुछ मेरे दोस्त हैं जो इस चीज के बहुत बड़े मतलब इस एक तरीके से कहूँ वायरस से बहुत ग्रसित हैं, उनके उनको मैं कैसे मतलब एक्सप्लेन करूं ये सब चीज़, मैं चाहता हूं कि उनको दिखाऊं। लेकिन देखिए, हमारे जो हिस्ट्री है, मेरा ऐसा मानना है कि हमको बिल्कुल ऊटपटांग हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, कुछ भी पढ़ाया जाता है लॉपसाइडेड हिस्ट्री के नाम पे। क्या है, क्या हिस्ट्री, क्या है हिस्ट्री? है एवोल्यूशन एक कंट्री का, हम कहां थे, कहां से होते होते किन रस्तों से गुजर के आज यहां कहां पहुंचे, ये जो कनेक्ट है पूरा पॉइंट ए टू पॉइंट बी पहुंचने का, उसके बारे में जानने को हिस्ट्री कहते हैं। लेकिन हमारे जिस चीज को हिस्ट्री की बताया गया है वो कुछ लोगों को ग्लोरीफाई करना और कुछ लोगों को दबा देना। कैसे संभव है कि आज आप किसी से पूछे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, सब जानते हैं। सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन थे, आप जाके जरा स्कूल्स में पूछिए, 8वीं और 9वीं के बच्चों से कोई नहीं जानता है। आप जाइए बंबई के, दिल्ली के अच्छे बड़े स्कूलों में, आप पूछिए भारत में कौन कौन प्रधानमंत्री थे, लोग 3 ही नाम बता पाएंगे आपको, या 4 एक नाम और बता देंगे। हमारे जितने ग्रेट लोग थे, जिन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन था, हमें हमेशा पढ़ाया जाता है, इसमें डायलॉग भी इसीलिए मैंने डाला है कि आजादी जो मिली हमको सिर्फ 2 लोगों के कारण मिली। क्या आप जानते हैं इस बात को कि इस आजादी के पीछे कितने सारे जर्नलिस्ट, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, आर सुब्रमण्यम, ये सब जर्नलिस्ट थे जिनका इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसके पीछे कितने लॉयर्स थे, इसके पीछे कितने ऐसे लोग थे, हाउसवाइफ थी जो जेलों में गई हैं, लेकिन ऐसा हमें बताया जाता है कि 2 ही लोगों की कुर्बानी और उनके सेक्रीफाइस से हुआ है, इसीलिए ये डायलॉग इसमें डाला गया है। मैं चाहता था कि जो मेरे साथ जो होगा, आप पूछ रहे थे मेरे को क्या हुआ, मेरे को इतनी थ्रेट्स मिलती रहती हैं, पर मैं चाहता था कि आप लोग, यंग लोग, ये सवाल तो उठाएं, ये कंट्री है किसकी, ये कंट्री इलीट लोगों की नहीं है, ये कंट्री है जो मिडिल क्लास ऑर्डिनरी लोग हैं। आप अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, कितना एक मिडिल क्लास फैमिली, एक लड़का इंजीनियर बनने जाता है पूरी फैमिली सेक्रीफाइस करती है, तो उस मिडिल क्लास के सेक्रीफाइस के बारे में कभी कोई बात करता ही नहीं है, जैसे कुछ है ही नहीं। टॉप के लोग करते हैं या बहुत गरीब लोग जो मजदूर और किसान है, सिर्फ उनके कारण देश चलता है, लेकिन जो मेजर चंक है उसके बारे में कभी कोई बात ही नहीं करता है। एंड दैट इज माय बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द एजुकेशन सिस्टम। आपने कहा राइट टू ट्रूथ, फिर आपने नाम को छुपाया क्यों? देखिए, जो इंटरनेशनल वर्जन है उसमें कोई नाम नहीं छुपा हुआ है। मैं 7 दिन तक लड़ाई लड़ता रहा, 4-4 घंटे 5-5 घंटे रोज, मैं खुद सीबीएफसी में हूं, उसके बावजूद मुझे लड़ाई लड़नी, क्योंकि इस देश के जो लॉज हैं वो इतने अजीब से हैं कई जगह पे, उसमें ये कहा जाता है
कि जो भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं इंडिया के और प्रेसिडेंट्स हैं उनके बारे में जब तक कोर्ट में उन पर कोई एलिगेशन प्रूव ना हो जाए तब तक आप उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते नाम लेके। ये बहुत बड़ा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इस कारण ये हुआ, पर आप समझ तो गए होंगे। हेलो सर, वांट टू नो दैट कि जब इस तरह से जब टॉपिक पे जब भी कोई मूवीज आती है तो इस तरह के सेंटिमेंटल टॉपिक पर मोस्टली डायरेक्टर्स डॉक्यूमेंट्री बनाना प्रेफर करते हैं, सो हाउ कैन यू डिसाइड कि ये डॉक्यूमेंट्री से बढ़कर हम मूवी के लिए जाएंगे इसमें? मीन्स आप कभी देखेंगे कोई भी टॉपिक्स आते हैं इस तरह से, आज के जो मूवीज आ रही है मोस्टली इंटरटेनमेंट मसाला इस तरह से मूवीज निकलती हैं, पर इन सब टॉपिक्स को बहुत ही कम डायरेक्टर्स चूज करते हैं, सो हाउ यू डिसाइड कि इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे कि मूवीज बनेंगी, हाउ यू? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि ये जो सब्जेक्ट है ये यंग लोगों तक पहुंचना चाहिए, वरना ये क्या होगा, चल लाल बहादुर शास्त्री थे तो बड़े बूढ़े कुछ बात कर लेंगे, वो तो चल ही रहा 53 साल से, पर यंग लोगों तक पहुंचना चाहिए। वो पहुंचने का बेस्ट जरिया यही था कि ये फिल्म के रूप में बनाया जाए, इसलिए मैंने फैक्ट्स और जो तथ्य हैं, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उनको लेके फिक्शनल कैरेक्टर्स के साथ जोड़ के इसको क्रिएट करने की कोशिश की है। ये नया फॉर्मेट है, आपने इसके पहले ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी होगी, इंडिया में नया फॉर्मेट है, तो आई इंट्रोड्यूस दैट। यूँ समझ लीजिए जो फिल्म इंडस्ट्री है बॉलीवुड जिसको बोलते हैं, उसका ये R&D डिपार्टमेंट है। आएगा उनको 10-15 साल रहने दो पावर में, उसको भी बन जाएंगे। सामने करप्ट होने में टाइम लगता है, 10-15 साल को जाने दो। जी अभी तो ठीक चल रहा है। 3 साल पहले IIT में आज पे जाएगी तो आपने शास्त्री जी पे निकाला है, किंतु जो जिस प्रकार के रिसर्च अनुजन जी ने किया है, क्या उसके आधार पर आपको नहीं लगा कि साथ में सुभाष जी का भी थोड़ा खुलासा हो जाए? नहीं, क्योंकि मैं अनुज ने मेरे साथ काम किया इस फिल्म में, पाइपलाइन में था जब 3-4 साल पहले, इसलिए मैंने वो आइडिया किया। पर वो उसके ऊपर डेफिनेटली बहुत अच्छी फिल्म बननी चाहिए, वो एक एंटरटेनिंग यंग ही इज़ अ हीरो, हीरोइक वो बात है बननी चाहिए, और डेफिनेटली लेट्स सी। सर जैसा इस पे दिखाया गया है कैरेक्टर फिक्शनल थे, लेकिन जो भी रेफरेंसेस थे सारे रेफरेंस और डॉक्यूमेंट्स के साथ वो क्वेश्चन पूछ रहे थे या जो भी स्टेटमेंट्स वो बना रहे थे। लास्ट में जो कैप का एविडेंस था वो बहुत कम जगह पे न्यूज वगैरह में देखने को मिला था, तो उस समय ये भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो डॉक्यूमेंटेड है, इसीलिए आपने वो दिखाया भी है। नहीं, तो, वो रियल, मैं आपको समझा, वो मुझे भी नहीं पता था, वो मुझे भी ऐसा सरप्राइज आया जब मैं 2-3 साल उनकी फैमिली के साथ काम करता रहा तो उनको भी मुझ पर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया। और ये जो समझ लीजिए कि फिल्म का जो लास्ट 2-3 दिन की हम जब शूटिंग कर रहे थे दिल्ली में, तब उनके नाती ने मुझसे कहा कि हमारे पास एक ऐसी चीज़ है, तो मेरी बात चल रही थी कि भाई ये ब्लड रेड का सवाल उठता है, कई लोगों ने एक बार पूछा भी था कि ऐसा क्या एविडेंस है, तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास एक चीज़ है, हमने बहुत संभाल के रखी है, नाउ सिंस वी ट्रस्ट यू वी आर विलिंग टू एक्सपोज इट टू द वर्ल्ड, तो वो जो रियल कैप थी वो इसीलिए उनके यहाँ से ला के आई हैव यूज्ड इट। और आप देखिए मैं उसको सेंसेशनलाइज भी नहीं करना चाहता था, बहुत सावधानी से और छोटे से शॉट में उसको मैंने खत्म भी कर दिया, वरना उसे मेलोड्रामेटिक भी कर सकते थे। तो दैट्स अ रियल एविडेंस जिसमें ब्लड लगा हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। पर इसके आगे देखिए फिल्म में यहीं तक ला सकता हूँ, लेकिन उससे सवाल उठे हैं, लोग बात करें, रंग दे बसंती फिल्म आई राइट, तो सब कैंडल लेके सब लोग गए, ओके, जब जैसिका फिल्म आई लोग कैंडल लेके सब लोग गए। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जब शास्त्री जी की फिल्म आई है, एक तरफ हम इतनी बातें करते हैं शास्त्री जी वॉज अ ग्रेट लीडर, एक सेकंड भूल जाइए भारत के प्रधानमंत्री थे, क्या एक फैमिली को हक नहीं है कि 53 साल से वो जो सवाल पूछ रहे हैं उसको क्लोजर मिलना चाहिए? तो कैप को क्या प्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट के सामने और उस समय क्या रिएक्शन? वो मेरा काम नहीं है, मुझको उनकी फैमिली ने मुझे दिया, मैंने उसको दिखाया, ना तो मैं लॉयर हूं, ना कोर्ट हूं, ना जज हूं, ना मैं फॉरेंसिक। अगर नाउ दे विल डू इट, उन्होंने अभी मेरी, अभी जब मैं गया था दिल्ली फिल्म दिखाई तब उनसे बातचीत हुई थी, तो वो भी वेट कर रहे थे। देखिए उनका क्या कहना है,
उनका ये कहना है कि हम ऐसे जाते हैं तो कोई हमें घास नहीं डालता, बात नहीं करता, राइट? ओनली व्हेन थिंग्स गेट एम्पलीफाइड, आज के जमाने में जब तक शोर नहीं होता है रात को तब तक बात बनती नहीं है, जब तक अर्णब गोस्वामी चिल्लाएगा नहीं तब तक नेशन सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं। और रतन जी जब तक उसमें आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, मोर आई कैन से इट इज आउट ऑफ डार्कनेस थिंकिंग। I would just correct you. It's not out of the box thinking. We have demolished the box. Yeah. Actually, when Madras Cafe can be made in 20 years after assassination of Prime Minister like Rajiv Gandhi, so this movie is very relevant. Just one question that initially it came that ki yes, काल्पनिक है. अगर आपको ये chance दिया जाए कि पूरे evidence कितना सत्य घटना पर आधारित है तो आपका क्या एक्सप्रेशन होगा, व्हाट यू विल से? देखिए शुरू में तो जो हमने डिस्क्लेमर लिखा था वो यही लिखा था, आप देखिए जो पहला पैराग्राफ था कि दिस इज बेस्ड ऑन ऑल एविडेंसेस फ्रॉम पार्लियामेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, पर हमारे कुछ कानून ऐसे हैं, देखिए जब बहुत सालों तक, बुरा नहीं मानिए मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं एक सोशल बात कर रहा हूँ, जब बहुत सालों तक मीडियोकर और करप्ट लोग लीड करते हैं किसी भी चीज को, एक कंपनी में सीईओ हो या किसी कॉलेज में प्रिंसिपल हो या घर में भले लीडर ऑफ द हाउस हो या एक कंट्री के लीडर हो, जब बहुत दिनों तक मीडियोक्रिटी रूल करती है तो इस तरह के बहुत सारे लॉज बना दिए जाते हैं जिसमें कि लोग बोल ना पाए, कोई भी चीज आप ये नहीं बोल सके ये सच है, आप कोई फिल्म बना ही नहीं सकते इस देश में जिसमें आप लिख सकते हैं सत्य घटना है, आपको लिखना ही पड़ेगा कि इसमें ये ड्रामेटिक है ये है फिक्शनल है, दुनिया भर की चीज, अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो हजारों एनजीओ से जो आपके ऊपर केस कर देते हैं, इसलिए ये ऐसा लॉ सा बन गया है, ऐसा रूलिंग की है तो पुट दैट डिस्क्लेमर, इसीलिए मेरे को लिखना पड़ा, पर फिर भी मैंने लड़के आपके में एक लाइन लिखी है, द पर्पस ऑफ दिस फिल्म इज टू सी ट्रूथ ऑफ शास्त्री जी इज डेथ, ये बड़ी यूनिक सी एक लाइन है जो पहले किसी ने नहीं लिखी, बट आपको मैं ईमानदारी से बताऊं इस फिल्म में जितने डायलॉग्स हैं वो डायलॉग मैंने नहीं लिखे हैं एक्सेप्ट फॉर कहीं कहीं पे, वो डायलॉग पार्लियामेंट में कृष्णकांत जी, कामत जी, अडवाणी जी, वाजपेयी जी, राजनारायण जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, इन लोगों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं पार्लियामेंट में उन्हीं को उठा के मैंने इस फिल्म में यूज किया है, इसलिए अगर उन्होंने नाम हम लेके अगर करता तो ये फिल्म निकलने नहीं देते वो लोग। हेलो यप सर, मैं आपको इस मूवी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि ये मूवी अब भारत में हो रही है आम चुनावों पर प्रभाव डालेगी, तो ये क्या सही है क्या? नहीं, आम चुनाव पर क्यों डालेगी आप मुझे बताइए, कैसे डालेगी? डाल ही नहीं सकती, कैसे डाल सकती? शास्त्री जी तो कांग्रेस के ही प्राइम मिनिस्टर थे। और अगर आपके घर में किसी बड़े बूढ़े के साथ ऐसा कुछ हो और 53 साल तक आपको नहीं पता हो और ना के आपको बता दूं उस राज के बारे में तो आपको ही फायदा है, और आपको कैसा लगता है कि मैं राहुल गांधी का फायदा कराऊंगा? इलेक्शन से जस्ट 4 महीने के अंदर पूरी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और फिर ये मूवी का आना, इसमें आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट का रोल है क्या? हाँ है, गवर्नमेंट का नहीं है, लीडरशिप का है। आप ये देखिए कि आज से कई साल पहले मजनू सुल्तानपुरी का नाम किस किसने सुना है? अच्छा, बहुत कम लोगों ने सुना है। देखिए ये भी बड़े अफसोस की बात है, पर हिंदुस्तान के जब फिल्म 3 बड़े शायरों का नाम लिया जाए तो उसमें साहिर उद्यानवी, मजनू सुल्तानपुरी, कैफी आजमी, ये 3 नाम लिए जाएंगे। भारत के बहुत महान लिरिसिस्ट थे, उनने एक बार जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट एक कविता लिखी थी, उनको 1 साल के जेल में डाल दिया गया। आंधी जैसी फिल्में गुलजार साहब की, उनको बैन कर दिया गया था। हमने हमेशा पेंटिंग्स को, बुक्स को, कॉलम्स को बैन करने की हमारे प्रथा रही है, किसी के अगेंस्ट बोला उसको बैन करो। और बड़े लोगों पे, पॉलिटिक्स पे तो फिल्म बिग नो 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 बनी तो है ना, आप गए काम से, ये भारत का कल्चर रहा है। पर आपने नोटिस किया पिछले 3-4 साल में कि भारत में पॉलिटिकल फिल्म्स, पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स, इन चीजों में बुक्स भी बहुत आ रही हैं, फिल्में भी बहुत बन रही हैं, इसका मतलब यह है कि सोसाइटी मैच्योर हो रही है।
इसका मतलब यह है कि लोग फ्रीडम से बोल पा रहे हैं और लोग उस फ्रीडम से सुन भी रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है और इसके लिए सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है यूथ का, क्योंकि यंग लोग जब फिल्म देखने जाते हैं तभी तो वो लोग फिल्म बनाएंगे। बॉलीवुड वाले कोई ऐसी चीज नहीं बनाते जो लोग देखने ना जाएं। Thank you for your question. I'll answer your question in two parts. To prepare for the role, I've studied journalism myself. I'm a BAM graduate, so I knew the journey of it because I've made documentaries, written columns, so I knew the journey that Ragini goes through. But of course, it's a very sensitive topic and it needs a certain amount of personal investment in it as an actor, as an artist. Other than that, I think there was enough research and, that was done by Sir and the team. And the script itself was enough for an actor to then find its character. So that was that, and most of it was just finding its moment. That's just, as an artist, how you transcend in certain scripts, in certain movies. Threats, no. As an artist, I think you have complete freedom to associate with any project. And no, I haven't faced any threats yet, not yet. Happy congratulations, sir. Thank you. You have connected many missing dots through this movie. There are many dots through which many movies can be made and lots of research can be done. I just have only one question. Is there anyone who has done PhD on this? Who has done research on this? Because this is a very vast thing. The murder surprise, there are no books on this subject, there's nothing. भी बता रहा हूँ मैं आपको, हमने कुछ चैप्टर ही गायब कर दिया पूरा का पूरा। The chapter is missing. मैं क्या करूँ, बड़े अफसोस की बात है, पर वो चैप्टर ही मिसिंग है। We see many people doing research on many other topics like आप यकीन नहीं करेंगे, आपने फिल्में देखा, पर जो काम इतने कम 11 महीने में हो रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, जो उन्होंने उतने कम टाइम में किया, वो जो लोग 11, 12 साल रहे उतने साल में नहीं कर पाए। आपको पता है रतन जी कि वो 5 ईयर हमारा प्लानिंग कमीशन था, उसको उन्होंने 1 ईयर कर दिया था उठा के, वो पूरा सोवियत मॉडल ब्रेक कर दिया था, और इसके पहले इंप्लीमेंट होता है ही डाइड। न्यूक्लियर बहुत अलग लेवल पे चेंजेस हुए थे। आई होप सो, मैंने किया है अभी तो अब इसको आगे आप लोग लेके जाए, ठीक है। अब ना डिस्कस दिस, आई एम टेलिंग यू, एंड सी योर ओन पावर एज अ सिटीजन। अपने को अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना आप लोग। आप डिस्कशन शुरू करिए कल से इसके बारे में, जस्ट सी, यू विल सी विद इन अ वीक हाउ द चेंज विल कम। कनेक्ट ऑल अदर IITs, कनेक्ट ऑल अदर स्टूडेंट्स एंड डिस्कस एंड सी द चेंज। यस विवेक जी, लास्ट टाइम उरी देखी थी, इट वॉज फैंटास्टिक एंड योर वर्क इज रियली ग्रेट। थैंक यू, एब्सोल्यूट रियली ग्रेट। थैंक यू। एंड मैम को पहली बार देखा मैंने, थोड़ा सा आप थोड़ा सा आपसे हम हिंदी सुनना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक तो जितने जवाब दिए आपने सब इंग्लिश में दिए हैं। सो प्लीज समथिंग टेल, सॉरी कुछ बताइए आप हिंदी में। दूसरा क्वेश्चन एक विवेक जी आपसे है, ठीक है, आपने दिखाया मूवी में कि 50 साल से या 55 साल से जो भी है कुछ नहीं हुआ, किसी ने नहीं बोला कि इन्वेस्टिगेशन करना है नहीं करना है। व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ, अभी की गवर्नमेंट क्या कर रही है? अभी की गवर्नमेंट पे किसी ने प्रेशर डाला ही नहीं। बोस के लिए जब प्रेशर डाला तो उन्होंने उनकी पब्लिक कर दी फाइल्स। अब ये जो सरकार अब आएगी, जो भी चुन के आएगी, आप देखिए। तो अभी मैं आपको आज बोल के जा रहा हूँ, ये फिल्म अभी शुरू हुई है, ये खत्म नहीं हुई है, ये अभी यहाँ से आप प्रोसेस एक देखिए। आप अपनी जगह में आप सही हैं, लेकिन सरकार के ऊपर कोई प्रेशर डाले तभी कोई काम हुए सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है इसी मरने से काम, लेकिन लेकिन आप क्या कर सकते हैं, प्रेशर तो डालना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा तभी सरकार। देखिए पॉलिटिशियंस वही करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग चाहते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूएंसी की डिमांड चेंज कर दीजिए, पॉलिटिशियंस अपने आप चेंज हो जाएंगे। करेक्ट। तो मेरा ऐसा विश्वास है, ये धीरे धीरे छोटी छोटी आवाजों से जमाना बदलता है, और जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है आज की तारीख में, आप देखिए ट्विटर में चीजें ट्रेंड होती है, बड़े से बड़े मंत्री जो है अपने स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं,
आप डाल के तो देखिए एक बार, आप करके तो, आप चलिए प्राइम मिनिस्टर को टैग करना, आप नरेंद्र मोदी जी को टैग करना चालू करिए और शास्त्री जी की बात करिए और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, देखिए क्या चेंज आता है। नहीं करेंगे, पर उनको खुद से भी समझ में आना चाहिए क्योंकि छोटा मुद्दा नहीं है। शास्त्री जी हमारे ऐसे वैसे नहीं थे, मैं भी किसान का बेटा हूँ तो समझ सकता हूँ। मैम आप बताइए, वो जो जैसे आप ताशकंद में मिलने जाती थी वो कौन है? मुझे डाउट ये है कि वो विवेक जी हैं या कोई और है, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं जस्ट पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि वो है कौन आखिर, क्योंकि दाढ़ी जो है उनकी मैच करती है विवेक जी से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप मिश्रा। संदीप जी, तो पहले तो आपके पिछले सवाल का आपने जो कहा था हिंदी में बात करना, एक्चुअली क्या होता है, हम टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, हमारी थिंकिंग जो भी होती है वो हमेशा अंग्रेजी में होती है। इसके सामने से कोई इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता है तो बाय डिफॉल्ट हम एज अ रिफ्लेक्स हम इंग्लिश में ही रिप्लाई करते हैं। हालांकि मैं भी किताबें पढ़ती हूँ और कई बार प्रेमचंद जी की किताबें पढ़ती हूँ। मेरा इनफैक्ट कोई भी फिल्म करती हूँ तो एक कंडीशन होता है कि मैं देवनागरी में ही स्क्रिप्ट लूँगी क्योंकि फर्क पड़ता है। तो लेकिन हाँ, मैं ध्यान रखूंगी एक बार। दूसरी बात, ताशकंद में वो मुख्तार था एक किरदार जो ऐसा कहा जाता है कि केजीबी या रॉ का आइदर डबल क्रॉस कर रहा था वो उसको, और 70s 80s के टाइम पे वो स्पाई थे और उनसे वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने जाती है क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि इंडिया में जितना भी वो गोल घूम रही थी, दोनों पार्टीज के जो नेता थे वो अपने अपने एजेंडाज के लिए, अंत तक आपको समझ में आ गया होगा, और बीच में वो इधर से उधर बस घूम रही थी। माफ करिएगा थोड़ा इनको शायद जल्दी है, मैं पूछ रहा था वो कैरेक्टर कौन निभा रहा है। वो बेचारे ऑरेंज, वो रेड शर्ट, ऑरेंज शर्ट, थैंक यू विवेक जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट अप्रिशिएट श्वेता जी, हर एक्टिंग वॉज इम्प्रेसिव एंड आई एम बिग फैन ऑफ हर ब्यूटिफुल आईज। नेक्स्ट माई क्वेश्चन इज टू विवेक जी, how do you deal with the threats that come to you? Means what is your approach? Ab wo ek secret hai that. Threat kis type ki hai? To us pe depend karta hai. But trolls ke saath kaise deal karna hai? Wo aap dekh sakte hain main kaise karta hu. See threats ka kya hai, ye isliye karte hain, they want to demoralize you. ये मैं भी जानता हूँ कि जब कोई आपको लिखता है कि हम तुम्हारे 50 टुकड़े कर देंगे तो ये मैं अच्छे से जानता हूँ 50 टुकड़े करने कभी आएगा नहीं, राइट? लेकिन वो लिखेगा इस बात को। लेकिन पहली बार मैं डरता डरता बिल्कुल किसी से नहीं, पर पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ कि इस बार मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ये बात आई कि यू शुड टेक सिक्योरिटी। अब उसमें प्रॉब्लम है, आप पीछे अपने पुलिस वाले हो तो इतना वो इंट्रूजन हो जाता है आपकी लाइफ में 24 घंटे। मैं यहाँ खड़ा हूँ, दो लोग यहाँ खड़े पीछे आपके, और मैं, मेरा नेचर वैसा नहीं है, मेरी स्पिरिट वैसी नहीं है कि मेरे आगे पीछे कोई घूमे, इसलिए आप देखिए मैं हमेशा अकेला स्वतंत्र घूमता रहता हूँ, पर ये लोग करते हैं। लेकिन सबसे जो बुरी बात जो वो ये है कि आप कुछ भी हो अभी, यू आर यंग, यू वॉन्ट नो, बट थिंक अबाउट योर पेरेंट्स। जब वो आपके बच्चों को थ्रेट करते हैं रात को 12-1 बजे, जब कोई आपको फाप सो रहे, मैं भी कुछ दिन पहले होटल में था दिल्ली में कहीं, और रात को मुझे 1-2 बजे फोन आया, जब वो आपके बच्चों के बारे में बोलते हैं द फर्स्ट थिंग यू थिंक इज अपने तो आप खेल सकते हैं लेकिन उनके लिए आप नहीं कर सकते, एंड दैट्स व्हेन यू सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। फिर दूसरा थ्रेट जो होता है इस कंट्री में जो बहुत पॉपुलर है और वो इतना इफेक्टिव थ्रेट है, वो है लीगल एंटेंगल में फंसाना। आपको खूब सारे लीगल नोटिसेस भेज दो, आपका सारा टाइम पैसा सब डाइवर्ट हो जाएगा। अभी मेरे पास इतने सारे, आपको मैं नाम बताता हूँ जो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर लड़ाई लड़ते हैं। जब JNU में किस्सा हुआ था तब सब कहते डिसेंट होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसको लेके 2-3 यंग युवा नेताओं ने, एक बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस और कुछ JNU के लड़कों ने लड़ाई लड़ी थी डिसेंट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेके। मेरे से ना बुलवाइए नाम, आप बोले तो चले। उन सब लोगों ने मेरे ऊपर इतने सारे लीगल केसेस ठोके हुए हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कि आप ये नहीं बोल सकते, आप वो नहीं बोल सकते, आपने वो क्यों बोला था।
कैन यू बिलीव इट इज हिपोक्रेसी में, तो इस तरह से आपको लीगैलिटी में पहले फंसाते हैं। अब ये फिल्म जो है इसमें शास्त्री जी के पोते ने, विभाकर शास्त्री ने, जैसे आप बैठे हैं मेरे बगल में बैठ के फिल्म देखी, विवेक देबरॉय वगैरह सब थे उनके साथ बैठ के देखी, फिल्म की तारीफ करके गए, मुझसे बोले कि आई एम ग्रेटफुल टू यू, ये भी थी पूछ ली है इनसे, 25 लोग थे, आई एम ग्रेटफुल टू यू दैट यू आर ब्रिंगिंग अ क्लोजर टू माय ग्रैंडफादर। और जाके उनने किसी एक परिवार में बहुत तारीफ करी इस फिल्म की, परिवार वालों ने कहा पागल हो गए हो क्या, फॉरन लीगल केस ठोको, और फिल्म के दो दिन पहले उनने हमको लीगल नोटिस दे दिया, यू कांट रिलीज द फिल्म। तो दो दिन पिछले हमारे इसी में निकल गए को लॉयर्स के साथ बैठ के इसका जवाब देना, क्योंकि जी कॉर्पोरेट कंपनी, उनने कहा जब तक ये मामला नहीं होगा सॉल्व हम रिलीज नहीं कर सकते, एग्जीबिटर्स ने कहा साहब हम रिलीज करेंगे, कोई आके रोक देगा तो हमारा लॉस होगा। तो इन चीजों में आपको फंसा देते हैं, ये दो थ्रेट्स हैं। थर्ड जो सबसे बड़ी थ्रेट है जो मैं पर्सनली फेस की है कि आप कोई भी आदमी पैसे के बिना जिंदा नहीं रह सकता, काम के बिना आपको कट ऑफ कर देते हैं आपके काम को, और जैसे ही आपकी लाइफ लाइन कट जाती है आप देखिए कितने लोग आवाज उठा के गायब हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये अगर सुभाष चंद्र नहीं बिलीव करते मुझ पे और इस कॉन्सेप्ट में तो ये फिल्म भी बुद्धा में ट्रैफिक जम की तरह डब्बे में पड़ी रहती, दे वुडंट हैव रिलीज्ड इट। तो बट ही सेड कि ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए, सो प्लीज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जी स्टूडियो। जी बोलिए सर, आपकी बहुत अच्छी थी बुकेट्स सर, जैसा आपने बोला कि हम ये मूवी जो हमारे युवा लोग हैं यानी कि यूनिवर्स करेगी, मतलब कि मेरा कंसेप्शन मतलब परसेप्शन है काफ़ी लोगों का है कि रशिया हमें सपोर्ट करता है, लेकिन जैसा कि आपने बताया दिखाया के जी भी हमारे अगेंस्ट हाउस है जी सर, ये कैसे इन्फ्लुएंस करेगा हम लोग को, दो तरह एक आप चाहे यूट्यूब में भी देख सकते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज भी हैं, तरह तरह की बुक्स हैं, पेपर्स हैं कि सो मेनी पीपल वर ऑन द पेरोल ऑफ केजीबी, इसमें कोई यानी आपको ये कोई सीक्रेट है ही नहीं पहली बार, पर कभी इसमें चर्चा नहीं की। अब आप जरा कंपेयर करिए इसको, नोट्स कंपेयर करिए, अमेरिका से कंपेयर करिए, अमेरिका में अगर पता चल जाए कि उनका कोई भी व्यक्ति रशिया के पेरोल पे था या किसी ने पैसे लिए थे, उस कंट्री में इतना बवाल मचेगा आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे खड़े होके आप जो बोलना है बोलिए, आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर ये लग गया कि कम्युनिस्ट है आदमी, आपकी जिंदगी करियर सब खत्म हो जाएगी। विश्व के ज्यादा से ज्यादा देशों में ऐसे ही है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पिछले 50 साल से चाइना हमारे पे प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, जिसको हम मॉइज्म के नाम से जानते हैं, जिसको मैंने फिर से नेक्सलिज्म का टर्म दिया, लेकिन हमारे देश में कोई कुछ नहीं बोलता। जब इमरजेंसी लग रही थी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, जब इंदिरा गांधी को, तब कम्युनिस्ट लोगों ने सपोर्ट दिया और इट वॉज अ बार्टर, उन्होंने बार्टर में बोला कि अच्छा आप एजुकेशन सिस्टम हमको दे दीजिए और बदले में हम सपोर्ट करेंगे। जब कांग्रेस स्प्लिट हुई थी जिस वक्त मोरारजी देसाई की जगह उनको बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर, तो उनको दिया था, नूरुल हसन बने थे जब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, वहां से पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है सारा का सारा कम्युनिस्ट लीनिंग और लेफ्टिस्ट लीनिंग हो गया। इसी कारण आप देखिए कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पे स्टूडेंट्स जो है वो लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट होने में गर्व महसूस करते हैं। यहाँ पे लोग गर्व से कहते हैं अरे हम तो भाई लेफ्टिस्ट हैं, मार्क्सिस्ट हैं और मॉइस्ट हैं। वर्ल्ड की किस कंट्री में आप बताइए, किस सिविलाइज कंट्री में, किस आप कल्पना कर सकते हैं विश्व में एक ऐसी कंट्री होगी जहां पे टॉप पॉलिटिकल लीडर का नाम स्टालिन हो? पता है ना आपको अपने स्टालिन नाम के लीडर है, कोई रख सकता है स्टालिन नाम बताइए, स्टालिन जिसने इतने लोगों को मरवाया, आप कल्पना कर सकते हैं क्या? हमारे पार्टी है मार्क्सिस्ट पार्टी है, लेनिनिस्ट पार्टी है, सब तरह माओइस्ट पार्टी है, हमारे माओ जिसने इतने करोड़ों लोगों को मारा, जो इस देश के ऊपर एक प्रॉक्सी वॉर चलाया उसके नाम पे हमारे पार्टी, इससे बड़ी डेमोक्रेसी वर्ल्ड में कहां मिल सकती है आप बताइए। आई डोंट नो आपने क्या पूछा था, मैं क्या जवाब दे रहा हूं। ग्रेट डेमोक्रेसी देखिए,
जब भी कोई कहता है कि हमारी डेमोक्रेसी कमजोर है, आप बहुत इस गलत फहमी में मत रहिएगा। जितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भारत में है, इतना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप अमेरिका जाएंगे अभी नौकरी कर ले माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में, यहाँ से ग्रेजुएट करने के बाद कहीं ना कहीं तो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। अपने ऑफिस में बैठ के आप वो नहीं बोल सकते जो इंडिया में आप कभी भी जब चाहें जो बोल सकते हैं। प्लीज भाई ना, ये भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। फर्स्ट थिंग दैट वी नीड इज अनबायस्ड इंफॉर्मेशन दैट वी डोंट हैव। तो देखिए, हम समझ गए आपकी बात। अनबायस्ड इंफॉर्मेशन के लिए एक पूरा का पूरा डेमोक्रेसी में एक पिलर खड़ा किया गया है जिसको फोर्थ पिलर बोलते हैं, जिसका नाम है जर्नलिज्म। वी डोंट हैव, दैट इज द सैड कमेंट्री। इसीलिए चूंकि वो नहीं है, मुझे ये फिल्म बनानी पड़ी, वरना मैं क्यों बनाता ये फिल्म, आप बताइए। इट इज आल्सो नॉट अनबायस्ड, इट कांट बी, इट शुडंट बी। मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, मेरे ऊपर मैं वॉच डॉग नहीं हूं डेमोक्रेसी का। मेरा काम है एक स्टोरी विद एन इंटरप्रिटेशन बोलना। मेरे जॉब की सिंसेरिटी यही है कि मैं किसी चीज को एक एंगल से देख के लोगों के सामने लाऊं और लोग उस पर दूसरी तरह से विचार करें। ये क्रिएटिव लोगों का काम होता है। मैं अगर अनबायस इंफॉर्मेशन दूंगा तो डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी, करेक्ट। लेकिन ये कर्तव्य, ये मॉरल ड्यूटी है इस देश के जर्नलिस्ट की। और मैं आपको बताऊं क्यों मैंने ये लिखा है कि दिस फिल्म इज डेडिकेटेड टू ऑल द ऑनेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। मैंने जानबूझ के वो वर्ड ऑनेस्ट डाला है उसके अंदर, ताकि लोगों को याद आए, ये बात रिमाइंड हो कि जर्नलिस्ट के साथ ऑनेस्ट लगना बहुत आवश्यक है। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये शब्द से कुछ लोगों को इतना बुरा लग गया कि आज एक अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने रिव्यू में ही लिखा है कि हु इज विवेक अग्निहोत्री टू जज विच जर्नलिस्ट इज ऑनेस्ट एंड विच इज नॉट। मैंने कहा सवाल ही क्यों उठना चाहिए, सभी जर्नलिस्ट ऑनेस्टी तो होने चाहिए। तो आपने बिल्कुल सही बोला है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं अगर आपको लगता है ये फिल्म बायस्ड है तो आप उसको अनबायस करने के लिए सोशल मीडिया में लिखिए। सर, इफ यू एवर गेट अ चांस प्लीज ट्राई टू कन्वे सम अनबायस्ड व्यूज, आई विल बी रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। फॉर इफ यू वांट अनबायस्ड व्यूज देन यू कॉल मी फॉर अ लेक्चर एंड आई विल कम एंड गिव यू अनबायस्ड व्यूज। बट इफ यू कॉल मी एज अ स्टोरी टेलर देन इट विल हैव माय बायस, जो मैंने 50 साल में जो देखा है सीखा है वो उसके हिसाब से आएगा। क्या हो गया, गिर गया बच्चा। चलिए, आई थिंक आई गुड टाइम टू क्लोज।